अंडी जी, आपका स्वागत है फिल्म विंडो में। थैंक यू सो मच। पहले तो यही क्वेश्चन मेरा, ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन सुन के थोड़ा आपको यूज टू हो गई होंगी, पर मेरा ये है कि जान कुमार सानू जो आपके बेटे हैं, जो आपका नाम रोशन कर रहे हैं फॉर श्योर, तो उन्होंने जब आपको बताया कि बिग बॉस 14 का ऑफर आया है जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, तो आपको खुशी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन कुछ हल्का सा डर था? हाँ जी, ऑफकोर्स था, डर था थोड़ा सा, तो डर गई थी कि हाउ यू विल मैनेज। सीधे ना जान से, मम्मा आई विल मैनेज, आई वांट टू गो। मैंने बोला चलो, उनका फेवरेट शो हमेशा देखते थे मेरे साथ ही बैठ के जान, देन आई सेड ओके चलो आप जाओ देखते हैं। बट यस डेफिनेटली थोड़ा बहुत डर तो था। पीछे पीछे जान की फोटो है ये वाला मेरा बड़ा बेटा का फोटो है, जेसी जी। ये जेसी देखो, ये जान। ओह सो क्यूट। जो जान के फैंस होंगे कहीं ना कहीं ये देख के खुश हो गए होंगे। अच्छा था। तो घर के अंदर वो तो अब जा चुके हैं, तो कैसा लग रहा है उनका गेम, किस तरीके से वो खेल रहे हैं, जैसा वो बोल के गए थे वैसे ही वो जा रहे हैं या फिर कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं? देखिए थोड़ा सा एक फर्स्ट वीक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिखता है, हर इंसान में होता है, सबके अंदर था वो। इवन एजाज खान जिनको, जिन्होंने बहुत कुछ देखा लाइफ में, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उनको भी मैंने देखा, तो फर्स्ट वीक वॉज लिटिल शेकी डेफिनेटली, बट उसके बाद जान ने, सबने ग्रिप पकड़ लिया अपना। मैंने नाउ यू कैन सी कि दे ऑल अफ्रेड, खेल रहे सब जी। और जानकी और निकी की जो एक बॉन्डिंग बन रही है उसको लेकर एक हैशटैग चालू हो गया, जानकी। जैसे सिडनास बना है, आशिमांशी बना है, उसी तरीके से जानकी करके बन गया हैशटैग। तो अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, बट कारण क्या, बनने का कारण क्या है? क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग लोगों को पसंद आ रही है बाहर, निक्की और जानकी। दैट्स गुड। नो अच्छा है ना, होने दीजिए। आपको कैसी लग रही दोनों की बॉन्डिंग? ठीक लग रहा है। निक्की इज वेरी स्मार्ट, शी इज अ, वो देखिए जब वो लैंडिंग पॉइंट होता है ना, जब वो सलमान खान के सामने खड़े हो गए थे, तभी लग रहा था कि शी इज देयर। उसी टाइम लग गया था कि निक्की आ गई। एंड सेम थिंग यू कैन सी इनसाइड द हाउस आल्सो, शी इज प्लेइंग डेफिनेटली बहुत अच्छा खेल। और रीटा जी, एक सेक्शन है जो इनकी बॉन्डिंग को बहुत एंजॉय कर रहा है, पसंद कर रहा है, दूसरी तरफ सेक्शन है जो वो कह रहे हैं कि ये जो निक्की के आसपास यू नो जान लगे हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो खुद का गेम और खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जान को ना समझ में आ जाएगा कि दैट जान के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं। मे बी दे आर राइट, आई एम नॉट देयर, दे आर देयर। हम लोग तो 1 घंटे का शो देख रहे हैं, उन लोग 24 घंटा देखते हैं। मे बी दे आर राइट, बट जान इज अ वेरी, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही विल, ही नोज कि कौन गलत जा रहा है, कहाँ से क्या समझ में। ओके। और रीटा जी, अभी सारा गुरपाल का एविक्शन हुआ, तो आपको तो पता ही होगा किस तरीके से सीनियर्स को लोग बायस्ड कह रहे हैं, अनफेयर कह रहे हैं, तो पहले तो इस पे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? देखिए माय सन इज इनसाइड द हाउस, तो मेरे एक ऑनेस्ट रिप्लाई यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू यू नो, वो नहीं हो सकता। बट किसी को तो जाना था, डेफिनेटली किसी को तो जाना था। उन लोगों को जैसे लगा उन लोगों ने किया, बट ना होता तो भी चलता कोई, बिकॉज और भी दो जन थे आई थिंक। ओ यस, जैसे और भी दो जन थे ना नॉमिनेशन में लास्ट में, राहुल और निशांत। हाँ मे बी, बट यस, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नाम आया था वो राहुल निशांत फिर जान का आया था, और जब सीनियर आपस में बात कर रहे थे तब राहुल और निशांत का उन्होंने नाम लिया था, राइट। तो जी। और रीटा जी, जैसे वो इधर मतलब रियल लाइफ में है, मतलब आपको लग रहा है वो रियल ही प्ले कर रहे हैं, जो जनता जो फैंस उनके हैं उनको क्या कहना चाहिए? जान 100% रियल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जान को ना मिलावटी कुछ करना नहीं आएगा, वो जानता नहीं और वो कर भी नहीं पाएगा। बट उधर रह के जान में भी ही विल लर्न द गेम, बिकॉज उस दिन जैसे उन्होंने वो खड़े हो गए थे, वो और निशांत की पोअर सेक्शन में खड़े हो गए थे वो दोनों, बट जैसे सलमान सर उन लोगों को टोका, समझे, हमें उन लोगों को अंडरस्टैंड कराया। इवन घर में जो गौहर है, सिद्धार्थ इज देयर एंड गौहर इज देयर, इन लोगों ने एक्सप्लेन किया, उनको समझाया। मुझे लगता है वो समझ में उन लोगों को सीख जाना चाहिए कि वेयर इट इज रॉन्ग एंड इट इज राइट। तो आपको आपको भी ऐसा लगता होगा कि जान जो है वो अभी भी दिखना बाकी है?
उनको थोड़ा सा खुद के गेम पे फोकस करना चाहिए। देखिए जान खुद, हाँ ऑफ कोर्स उसको जान फोकस करना शुरू कर दिया अपना गेम में, मैंने देखा जी। अच्छा आपको लग रहा है अभी वो फोकस करेंगे? ऑफ कोर्स लगा जी। अच्छा एक और बात मैं कहना चाहूंगी, जैसे हमने देखा नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस शेयर किए अपने पापा को लेकर, कुमार सानू जी को लेकर, तो आपको ये जो उन्होंने बातें शेयर की नेशनल टेलीविजन पर, आपको सही लगी या फिर आपको लगा कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था ऐसा कुछ? दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस अबाउट इट, बट जान ने जिस टाइम में कहा था, आई थिंक फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठ के उन्होंने कहा था, तो इट इज मुझे इसके ऊपर कोई कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। ओके नो इशू सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को ऑब्वियसली वो आइडलाइज करते हैं, उनके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और घर के अंदर भी वो उनकी बॉन्डिंग दिख रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? खूब अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो जान इज अ जेन्युइन फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत ज्यादा इवन आई एम अ फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, जो तरीके से उन्होंने खेला था 13 में ना, खूब अच्छा लगा था देख के। एंड जान का तो ऐसा है कि ही इज लिविंग विद हिज ड्रीम, you know he's living with his dream inside the house, Siddharth ke sath baithna uthna khelna rehna, he's enjoying it very much. aur hum dekh bhi rahe hain ki jaan na Siddharth Shukla ko bahut zyada observe bhi karte hain ki fir taki you know wo apne aap tarike se khel sake. पर कहीं आपको लगा कि जब वो गेम खेल रहे घर के अंदर, कहीं आपको लगा कि जान यहाँ पे गलत गए, वो यहाँ पे ये चीज कर सकते थे, सही जा सकते थे, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा लगा बहुत बार, बट मैं अभी नहीं बोल सकती टेलीविजन में आपके सामने, दो एक बार तो डेफिनेटली गया गलत, तो जान खुद भी समझ गया कि ये नहीं करना चाहिए। देखिए इतना 14 लोगों के बीच में आप हो जिनको आप कुछ भी नहीं जानते, वी डोंट नो होम टू ट्रस्ट होम टू नॉट, जो कोई फ्रेंडशिप आपका हाथ भरा है आप सोचते चलो यही मेरा फ्रेंड है, बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट देयर, इट्स नॉट अ वेरी इजी सिचुएशन टू हैंडल, तो उसमें अगर आपको कोई फ्रेंड दिखा तो मे बी यू विल लव टू ट्रस्ट दैट पर्सन, बट ऑटोमेटिकली विद डे जैसे जैसे दिन जाएगा यू विल कम टू नो कि शी इज और ही इज नॉट योर फ्रेंड्स, और मे बी दे आर वेरी रियली वेरी गुड फ्रेंड। कल जैसे देखा मैंने निशांत जान एंड राहुल ने फ्रेंडशिप का ऐसा किया कुछ, तो बहुत अच्छा लगा देख के, यू नो यू नीड समवन टू ट्रस्ट, यू नीड समवन टू सपोर्ट यू, यू नीड टू ओपन अप एंड अपना दिल से बात कर सकते, ऐसा कोई चाहिए। सही बात है, सही बात है। पर कोई एक कंटेस्टेंट आपको लगता है कि जान को इस कंटेस्टेंट से थोड़ा बच के रहना चाहिए? क्या अभी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है बिकॉज सबको अपना अपना गेम खेल रहा है, दैट यू विल कम टू नो आफ्टर 5-6 वीक्स के बाद वो चीज आपको दिखेगा, राइट नाउ आई कांट टेल यू। फिर से हम आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, डेफिनेटली आई बी वेरी हैप्पी, आई बी वेरी हैप्पी। अच्छा जान के अलावा अगर मैं बात करूं, अभी आपको क्या लगता है कौन और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो आगे तक जाएगा? देखिए मुझे लगता है निकेश देयर सब मुझे, मेरे लिए तो मेरा बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, जान इज द बेस्ट, इसलिए जान को यस, बट उसके अलावा आप देखिए दैट पवित्र पुनिया इज आई थिंक गुड, निकी तो डेफिनेटली इज देयर, एंड और एक जन को मालूम नहीं पड़ रहा बट आई थिंक ही विल कम आ जाएंगे बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, एजाज खान, एक मोमेंट देखा था किचन में जब जान खा रहे थे चटनी को लेकर, वो बहुत ज्यादा बहसबाजी बाजी हुई थी, तो आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा ऑब्वियसली कि यार यहाँ पे मैं बेटी को परवर के खिलाती हूँ, आप ऐसा हो रहा है। बहुत खराब दुख हुआ मुझे, बहुत खराब लगा, बट देन यू नो इट्स पार्ट ऑफ गेम, व्हाट टू डू, राहुल ऐसा ना बोलता तो भी चलता, वो भी छोटा बच्चा ही है, ऐसा ना बोलता किसी के खाने के टाइम तो कोई भी टोकता नहीं, हम लोग तो कभी किसी को, कोई भी फैमिली में ऐसा नहीं होगा कि खाने के टाइम उनको बोले, बट उनको लगा बोलने के लिए उसी टाइम मुझे जान के लिए, बिकॉज जान इज ए दिलदार मैन, जान सबको खिलाता है, अगर आप जान को मौका दो जान तो सारा दुनिया को लाके मेरे घर पे हाजिर करता है कि माँ ये खाएगा वो खाएगा, जान इज चालू, तो उनको कोई ऐसे टोके तो अच्छा नहीं। रिजेक्टेड कंटेस्टेंट से घर के अंदर गए जब उनका एक हेयर कट हुआ तो वो आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। देखिए मेरा जो सेकंड सन है ना इज ए वेरी स्टाइलिश बॉय, तो ये हेयरकट तो बहुत पहले ही करके बैठे हैं मेरा सेकंड सन जी को, उनका ये हेयर स्टाइल है, अभी भी उनका कुछ और स्टाइल है, वो हमेशा अपना हेयर में कुछ, आमिर खान का जो गजनी में आमिर खान जब वो स्टाइल लेके आए थे उनका 3 साल पहले मेरा बेटा करके घूमता था, उनको हेयर स्टाइल बहुत शौक है मेरा सेकंड सन, तो ये मेरा आदत है देखने का,
बट विथ जीको माई सेकेंड सन नॉट विथ जान. जान को देख के पहले तो मैं सोचा ये जीको बन गया. मेरे सब फ्रेंड्स सब ने फोन करके बोला रीटा अभी जान भी जीको जैसे बाल का हेयर स्टाइल बना लिया. वो लुक उनको उनको एक अलग ही पर्सनालिटी देती, बहुत अच्छा लग रहा था. अच्छा थैंक यू जी. और आंटी जी ये भी बात कहना चाहूंगी, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा हर जगह कहीं ना कहीं लोग एक बात कह रहे हैं, नेपोटिज्म चल रहा है बाहर, चाहे बॉलीवुड ले लीजिए और बिग बॉस ले लीजिए, तो लोग ये कहना चाहेंगे कह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे तो बहुत कुछ कहना है. फर्स्ट एक चीज कहना है, कोई लोग ऐसा लोगों को पूछते हैं जो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वो लोग बोलते हैं कि भी नेपोटिज्म है. इंजीनियर का बेटा जब इंजीनियर के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, मेरा बड़ा बेटा इज एन इंजीनियर, तो जब इंजीनियर फर्स्ट ईयर में इंजीनियर लोग एडमिशन लेते हैं, उनके डैडी उनके फ्रेंड्स को बोल देता है मेरा बेटा के लिए जॉब देखना है, इस साल में पास हो रहा है, इज दैट नेपोटिज्म? ओके नेपोटिज्म होते हैं. अगर वो नेपोटिज्म है देन दिस इज ऑल्सो नेपोटिज्म, व्हाई नॉट? जान के डैडी इज अ सिंगर, अगर मेरा तीनों बेटे में से जान एक सिंगर बना, यू टेल मी वन थिंग, ये तो आपको तो उल्टा बोलना चाहिए बाकी दोनों भी क्यों नहीं बने, क्योंकि डैडी का रास्ता ही बच्चे फॉलो करते हैं 99%. डैडी जो भी करते हैं बच्चे भी वही करते हैं. ये बोलना है कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, इफ दैट इज नॉट नेपोटिज्म देन व्हाई इज नेपोटिज्म, टेल मी जी. और फेवरेटिज्म को भी लोग बात कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म बहुत हो रहा है बिग बॉस के जान. व्हाई फेवरेटिज्म? देखिए जान ने खुद अपना मेरिट पे बिग बॉस में गया है. आप मुझे एक स्टार का बच्चा का दिखाइए जोश बिग बॉस में स्ट्रगल करने गया, टेल मी. मेरा बेटा गया, मेरा बेटा नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म में बिग बॉस में क्यों जाएगा? स्टेट बड़े बड़े फिल्म में गाना गाने चला जाएगा. इफ फेवरेटिज्म इज दैट इम्पोर्टेंट, इफ दैट इज हैपनिंग, अगर वो भी जान की लाइफ में हुआ तो जान तो सबसे बड़ा बड़ा बैनर में गाना गाने चले जाता, बिग बॉस में क्यों जाता? वाई टू गो टू बिग बॉस, टेल मी. मेरा बच्चा अपना मेरिट पे अपने नाम बनाने के लिए खुद चले गए एंड ही इज डूइंग हिज वर्क ऑन हिज ओन. So I don't find it neither nepotism neither favoritism. No, जान को किसी ने favorite, कोई favorite नहीं है, जान किसी का favorite नहीं. जी. और आंटी जी कितना miss कर रही हैं, पहले तो ये बताइए आप जान को. जान को बहुत miss करती मैं, जान is like my shadow. 24 घंटा जान मेरे साथ ही हमेशा रहते रहते हैं, फोन पे बात में घर पे रियाज करता रहता है. मॉर्निंग उठ के जान का गाना शुरू हो जाता है, रियाज होता है, होल डे गाना बनाता रहता है. म्यूजिक रूम उनका है जो उसमें म्यूजिक रूम इज एम्प्टी, खाली जान का म्यूजिक रूम खाली हो गया पूरा. तो मैं कभी कभी जाके कॉफी पीती हूँ, उधर चाय पीती हूँ, बैठती हूँ, जस्ट यू नो के खाली ना रहे मेरा. दो बार सो भी गई जान का बेडरूम में, ऐसे होता है. यस मिसिंग यू. दो तीन महीना तो आपको जान के बिना ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर में वो होप कि वो सबकी जान बने, जनता की जान बने. कहीं भी जाएगा ना जान बनता है, ट्रस्ट मी. मैंने उनका नाम रखा था जान, उनका नाम है ऐसे जयेश, मेरा बड़ा बेटा नाम है जेसी, मेरा सेकंड जान का नाम मैंने रखा था जान, अननोइंगली जान रखा था. बट सॉरी जयेश करके तो जान रखा आपने? नहीं, उनका डैडी ने नाम दिया था जयेश, मैंने नाम दिया जान. तो मुझे लगता है इतना एप्रोप्रिएट नाम मैंने रखा जान के लिए, वो कहीं भी जाएगा ना सबका वो जान है, सबका जान बन जाता है. जी जी. जाते जाते क्या कहना चाहेंगी जो उन्हें सपोर्ट कर रहे, जो उन्हें पसंद कर रहे, जो उन्हें प्यार कर रहे हैं? ये बोलूंगी देखिए, डोंट थिंक दैट एनी फेवरेटिज्म इज देयर. जान ने अपना स्ट्रगल खुद किया, अपना बहुत साल म्यूजिक सीखा जान ने, हर तरीके का क्लासिकल इंडियन वेस्टर्न हर म्यूजिक जान ने सीखा, मेहनत किया, सीखा, बिग बॉस में पहुंचा. प्लीज सपोर्ट हिम एंड डोंट, उनको कोई कैटेगरी में मत लीजिए कि वो फेवरेटिज्म में गया या नेपोटिज्म में. नहीं, हर इंसान अपना मेहनत करते हैं फिर वो अपना जगह बनाते हैं. अगर इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, आप अपने आप को जब तक प्रूव नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर गेट ए बेटर चांस इन लाइफ. तो वो सोचिए कि जान को सपोर्ट कीजिए, जान को आगे बढ़ाइए, जान का बहुत सारा रंग है देखिए. और आखिरी क्वेश्चन मैम, आखिरी क्वेश्चन, आपको पता होगा बिग बॉस 13 के घर में आसिम रियाज थे. हाँ जी राय. तो उनके जो भाई है उमर रियाज, उन्होंने स्पेशली जान के लिए ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये बंदा खुद को साबित करने आया है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए. तो आप उमर रियाज को क्या कहना चाहेंगे? वेरी नाइस ऑफ हिम, थैंक यू सो सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका जेन्युइन कमेंट सुन के, इवन आई टू लाइक असीम आल्सो, वेरी स्ट्रांग हेडेड बॉय, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था बिग बॉस 13 में, उनका भाई ने लिखा. तो थैंक यू सो मच उमर रियाज, थैंक यू सो सो मच.
थैंक यू सो मच आनी जी हमसे बात करने के लिए, और हमारे तरफ से भी जान को ऑल द बेस्ट है, वो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाए और तो जनता की जान बन जाए वो. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू. थैंक थैंक यू बाय बाय बाय. थैंक यू.